अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों हजार वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है, इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है।